एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवेट लॉ। बायट सेवेट लॉ की क्या प्रॉब्लम है कि ये स्मॉल एलिमेंट के अंदर अगर करंट जा रहा है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो कैलकुलेट करके दे देगा, पर अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरी वायर की वजह से नहीं करके दे सकता। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन है कि अगर सपोज आपके पास एक लॉन्ग वायर है, लंबी वायर है जिसमें करंट आई है, और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, ए डिस्टेंस दूर किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। डीबी नहीं निकालना, पूरी वायर का बी निकालना है। तो बायट सेवर्ट लॉ आपकी एक हेल्प करेगा। अगर आप इसका स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे, डीएल, डीएल डीएल यहां पर डीबी कॉन्ट्रीब्यूट करके बायट सेवर्ट लॉ दे देगा। पूरी वायर के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये हमारा पहला काम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं, एक लॉन्ग वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम निकालने जा रहे हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि वायर हमेशा स्ट्रेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक वायर एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में है जिसमें आई करंट है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकालना चाहता हूँ इसके एक्सिस पे जाके क्या होगा, इसके एक्सिस पे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर भी क्या होगा। तो इसके अंदर एक वायर है, तो बायट सेवर्ट लॉ आपको डीएल इसका स्मॉल एलिमेंट का डीबी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगा। पूरी रिंग के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी इंटीग्रेशन। तो हमारे पास दो एप्लीकेशन है बायट सेवर्ट लॉ की। आज के लेक्चर में हम एक एप्लीकेशन करेंगे, और आज के लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, पर इसके रिजल्ट को अगली बार करेंगे। तो आज मेन फोकस हमारा सिर्फ इसके ऊपर है, स्ट्रेट वायर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इसके लिए पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये रहा बहुत लंबा कंडक्टर है एक्स वाई, जिसमें कितना करंट है, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। ये डायग्राम कैसे बना बताता हूँ। इस डायग्राम के लिए इस पॉइंट को समझें कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक, और ये काफ़ी लंबी वायर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वायर से ए दूरी पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्या होगा। तो आप एक काम करें, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लें। मान लो ये स्मॉल एलिमेंट आपने ले लिया डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, ये एलिमेंट आपने इस पॉइंट से कितनी दूरी पे लिया, मान लो एल दूरी पे लिया, दिस डिस्टेंस इज एल। मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटा होगा। तो मैं इस डी एल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकाल दूंगा, यहाँ पर निकालूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, और ये डी एल है, ये आर है, तो ये डी एल का कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी तो मैं यहाँ पर निकाल ही सकता हूँ। अगर मान लो डी एल और आर में एंगल कितने है, थीटा, तो डी बी की वैल्यू मैं ईजीली निकाल लूँगा। डी बी की वैल्यू बोलो क्या, यहाँ पर मार्क करेंगे, डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाए आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डी बी आ गया यहाँ पर मेरे को तो पूरी वायर की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पूरी वायर के लिए थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल कितना है यहाँ पर, फाइ, ये 90 डिग्री है, ये थीटा और ये फाइ। ये एलिमेंट ने इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया हुआ है, फाइ। तो अगर मैंने ये पूछा कि ये एंगल कितना है, वायर का जो अपर एंड है, अपर एंड, क्योंकि सारे एंगल जो बनने हैं वो इस लाइन से बनने हैं, याद रखना सारे एलिमेंट के एंगल इस लाइन से, ये बेस लाइन है। इस एंगल से मान लेते हैं ये एंगल कितने हैं, फाइव टू, और ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड है, लोअर एंड का एंगल टोटल ये कितना बना, फाइव वन। तो इस एंड का एंगल इस लाइन से फाइव वन, इस एंड का एंगल इस लाइन से फाइव टू, एलिमेंट का एंगल फाइव, और ये तो चलो बायट सेवर्ट लॉ से थीटा लेना ही था। तो आप अपना डायग्राम अगर चेक करना चाहें, डायग्राम चेक कर लें, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनाया मैंने। ये आपके पास एक लॉन्ग वायर है, ये ए है, अपर एंड का एंगल फाइ टू है, लोअर वाले एंड का एंगल फाइ वन है, इस एलिमेंट का एंगल यहाँ पर ये फाइ है, और ये एंगल थीटा है, ये डी एल है, ये एल है, और ये ए है।
तो डायग्राम को क्लियर है, और इस एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी बी बाइट समेट पर मैं लिख के दिखाया, सेम चीज लिखी मैंने यहां पर। इसके अंदर आप एक चीज देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले ये बताओ कि थीटा प्लस फाई का सम कितना है, ये फाई है, थीटा और फाई का सम कितना है 90, क्योंकि एंगल 90 है, तो थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस फाई। तो मैंने इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 90 माइनस फाई, साइन ऑफ 90 माइनस फाई क्या होता है कॉस फाई, तो मेरा रिजल्ट थोड़ा छोटा हो गया, तो मैंने अपने रिजल्ट को साइन की जगह किस में कन्वर्ट कर लिया कॉस फाई, मैं अपने सारी इंटीग्रेशन को थीटा की बजाय फाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर बताओ कॉस फाई किसके इक्वल है, कॉस फाई ए अपॉन आर, कॉस फाई इज ए बाय आर। इसी ट्राइंगल में टेन फाई किसके इक्वल है, एल अपॉन ए। इस ट्राइंगल में कॉस फाई किसके इक्वल है, ए बाय आर। इस ट्राइंगल में टेन फाई किसके इक्वल है, एल अपॉन ए। मैंने दोनों लिख लिया, कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाय आर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू आ गई, कॉस फाई ऊपर गया तो सीकेंट बन गया, तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब आगे देखो टेन फाई की वैल्यू क्या थी, एल बाय ए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये डी एल बन गया, टेन फाई की डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई होती है इंटू डी फाई हो गया, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन करके डी एल निकाल लिया और मैंने आर निकाल लिया। इस आर की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, इस डी एल की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, तो अगर मैं डी एल को उठा के न्यूमिनेटर में पुट करूं ये रहा, और आर की जगह डिनोमिनेटर पुट करूं ए सीकेंट फाई का स्क्वायर और सॉल्व करूं, सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, मैंने स्मॉल एलिमेंट की वजह से पहले डी बी निकाल लिया, थीटा को 90 माइनस फाई करके कॉस फाई निकाल लिया, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल में दो रेशियोज ली, कॉस फाई इज ए बाय आर, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाय ए, दोनों रेशियोज को यहां पे लिखा कॉस और टेन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकाल लिया जो यहां सब्स्टिट्यूट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल निकाल लिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके डीएल निकाल लिया जो ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, डीएल की जगह ये टर्म, आर की जगह ये टर्म पुट किया, सॉल्व किया तो ये टर्म आ गई। अब फाइनल स्टेज आ रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे। हम सारे एंगल इस बेस लाइन से लेते हैं, इस बेस लाइन के नीचे के एंगल नेगेटिव होते हैं और ऊपर के पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी सेम चीज की थी, क्योंकि मेरी वायर यहां से यहां जा रही है तो माइनस फाइव वन से लिमिट कहां जाएगी, प्लस फाइव टू, तो चेक करो लिमिट माइनस फाइव वन से फाइव टू, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो यहां से कॉस फाई की इंटीग्रेशन साइन फाई, माइनस फाइव वन से फाइव टू, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रजिस्टर में ये डायग्राम बनाएं, ये वाला डायग्राम फाइव वन फाइव टू मार्क करें, ए डिस्टेंस मार्क करें और ये फॉर्मूला साथ लिखें कि अगर आपकी फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई फाइव फोर पाई आई डिवाइडेड बाई ए, ए का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये नोट करें। तो जब इसका न्यूमेरिकल आएगा वो कैसे करना है, जैसे मान लो ये वायर है, इसमें आपको आई पता होगा, ए पता होगा, आपको दो एंगल देगा, जैसे ये 30 डिग्री, जैसे ये 60 डिग्री, ऐसे, तो बस आपको फाइव वन की जगह 30, फाइव टू की जगह 60 पुट करना है, माइनस मत पुट करना, माइनस ऑलरेडी डेरिवेशन में पुट कर चुके हैं,
सिर्फ वैल्यूज पुट करना, फाइव वन को 30, फाइव टू को 60 आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। अगर ये वायर इनफाइनाइट लंबी होती, इनफाइनाइट, तो अगर ये वायर इनफाइनाइट लंबी होती तो ये फाइव वन और फाइव टू दोनों एंगल क्या लेने पड़ते हैं, 90। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, इन्फिनिटी में एंगल बहुत बड़े बन जाते हैं, 90 90 ऊपर बनेगा नहीं। तो फाइव वन फाइव टू की जगह 90 90 पुट करें, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 आंसर। ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट म्यूनर बाई 4π2i/a होगा, और बी और आई का जो ग्राफ, बी और ए का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला नोट करें इनफाइनाइट वायर का, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इनफाइनाइट वायर का। यहाँ तक क्लियर है? तो फाइनाइट वायर का क्लियर है, इनफाइनाइट का क्लियर है। नेक्स्ट है, इसको यूज़ कैसे करना है, एग्जांपल है। अगर आपके पास ये एक वायर है, इसका एक एंड फाइनाइट है, तो इसके साथ एंगल 30 है, और एक एंड इनफाइनाइट है, तो एंगल कितना है, 90 है। तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4π i/a साइन ऑफ 30 + sin of 90, ऐसे न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, आपकी वायर यहाँ से स्टार्ट है और आपको भी यहाँ निकालना है, तो वायर नीचे है ही नहीं, तो नीचे का एंगल बनेगा ही नहीं, तो एक एंगल क्या लेना पड़ेगा, 0, और एक एंड से इनफाइनाइट है तो एंगल क्या लेना पड़ेगा, 90। तो एक एंगल 0, एक एंगल 90, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अगर आपकी वायर यहाँ से स्टार्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, अगर आपकी वायर यहाँ से स्टार्ट है और करंट ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, पर आपको भी तो यहाँ निकालना है। अब देखो ना, ये डिस्टेंस ए था और आपका जो ये जो एंड है वायर का, वो एंगल ऊपर बना रहा है और दूसरा एंगल भी ऊपर ही बन रहा है, तो जो पुराना रिजल्ट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पुराने रिजल्ट में जो डेरिवेशन है उसमें एक एंगल नीचे है और एक एंगल ऊपर है। तो डेरिवेशन में हमने जो लिमिट पुट की थी -51 से -52 पुट की थी, पर यहाँ पर डेरिवेशन चेंज हो गई, क्योंकि हमारे पूरी की पूरी वायर ही ऊपर निकल गई, तो दोनों के दोनों एंगल 51 52 क्या पुट करने पड़ेंगे, पॉजिटिव। तो हमें फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें एक एंगल π/3 और दूसरा π/2 है, तो दोनों के दोनों लिमिट में क्या पुट करेंगे, +π/2 से लेके +π/3 से लेके +π/2, दोनों लिमिट प्लस होंगी, पर कोई ये तो याद करेगा नहीं। तो हम एक रिजल्ट बनाते हैं। रिजल्ट है कि अगर आपके पास ये एक वायर है, लोअर पॉइंट वायर ने एंगल बनाया 51, अपर पॉइंट ने एंगल बनाया 52, और अगर आप बी निकालना चाहते हैं तो लिमिट क्या पुट करेंगे, +51 से लेके +52। आपकी डेरिवेशन चेंज कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या थी, -51 से +52, इसमें +51 से +52। तो जब मैं ये लिमिट पुट करूँगा, sin(5+51 से +52) वैल्यू पुट करूँगा, तो ये आंसर आएगा। तो आप एक काम करें, ये डायग्राम बनाएं फॉर्मूला रजिस्टर में, जब एंगल दोनों के दोनों 51 52 पॉजिटिव, डेरिवेशन मत नोट करें, ये पेपर में आएगी नहीं, ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो अगर दोनों के दोनों एंगल पॉजिटिव हैं, यानी कि ऊपर की तरफ वायर है और पॉइंट आपका नीचे रह गया, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लें। पॉइंट समझ में आ रहा है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है समझ में आ रहा है? तो हमारी स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो है वो ऐसी नहीं है, हमारी जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है उसमें एक 51 नेगेटिव है और एक 52 पॉजिटिव है, इसमें दोनों के दोनों 51 52 पॉजिटिव हैं। तो अगर डायग्राम ऐसा आएगा पेपर में, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है।